काम की नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें कहीं भी मूरत राम की नहीं। घोड़ी से पूछिए तो रानी द्रौपदी उसी घोड़ी के पास में पहुंच गई। जाकर के उस घोड़ी से कह रही है, देवी आप कौन हैं? आपका परिचय क्या है? तो उस घोड़ी ने कहा, रानी मैं कोई साधारण घोड़ी नहीं हूं,
रानी द्रौपदी पूछ रही है फिर कौन है, तो निवेदन करूंगी बड़े ध्यान से सुनिएगा। उस घोड़ी ने कहा कि इंद्रलोक की अप्सरा, मैं कौन हूँ सुन, इंद्रलोक की अप्सरा, कोई रंभा मेरो नाम, देव सभा में नाचना को यही हमारो। कहा रानी एक दिन ऐसा हुआ सुरपत को दरबार लगो, सुरपत को दरबार लगो, जहाँ आसन देव विराज रहे, मैं अपनो नाथ दिखाए रही माँ ढोल नगाड़े बाज रहे, नाचत नाचत दुर्वासा पे, रानी नाचत नाचत दुर्वासा पे, जब लामन गिरी हमारी और सब देव हंसे दे। कहा रानी ऋषि दुर्वासा के ऊपर मेरी साड़ी गिर गई, और जब साड़ी गिरी तो देख ऋषि दुर्वासा ने मेरे साथ किया क्या। विद्वानों आज वो घोड़ी रानी द्रौपदी को बता रही है। भैया क्या कह रही है, अब ले कर के क्रोध और ऋषि निराली रानी, और हाथ कमंडल लियो है और ले छीटा मारे, ए छीटा मारे नीर के मोह पे एक पूजड़ा
एक पूंजड़ा बना फिरे है, एक बना है जोहरी हो। घोड़ी ने कहा, रानी ऋषि दुर्वासा ने मुझे श्राप तो दे दिया, मगर संत का हृदय बड़ा ही कोमल होता है। मैंने उनसे निवेदन किया, महाराज आपने मुझे श्राप तो दे दिया, मगर इस श्राप से मेरी मुक्ति कैसे होगी? तो ऋषि दुर्वासा कह रहे हैं, 3.5 वज्र नहु में। कहा देवी, 3.5 वज्र नहु में जब कोई दे भिड़ाइया, अरे झूठे श्राप बाद ना तेरो जब जम के होए, ऐसी जंग जवई होगी रानी, ऐसी जंग जवई होगी जब कहले तेग मुरारी और सब देव हंसी दे। इतनी रानी द्रौपदी ने उस घोड़ी की बातों को सुना, वापस राजा दंग के पास में आ गई। आकर के राजा दंग से कह रही है, राजा मैं तेरी सहायता तेरी मदद करूंगी, मगर मैं जब तक लौट करके नहीं आऊं तू अग्नि नहीं लगाएगा। और पहुंच गई कहां, धर्मराज के पास में। और जाकर के देखिए रानी द्रौपदी धर्मराज से कह रही है, और मोनू भैया क्या कह रही है, देखो
जे बावन से तो मुँह बैसी डर लग रहा है, जनपद नहीं समझ में आ रही है कि ना आ रही। रानी द्रौपदी कह रही है बोली धर्मराज से नारी, और यार ये कथा सुनाए दई सारी। अब क्या कहा महाराज, अरे रानी नाम दंग को लियो, उनकी तरफ से 200 रुपए का आशीर्वाद आया है। बार बार आशीर्वाद की कामना करूंगी, बहुत बहुत धन्यवाद। सुनिए, मैं भी वही हूँ और मेरी चाहत
वही। पर स्वामी लेकिन तेरी नजर के नजर के क्या हाय, लेकिन तेरी नजर के, लेकिन तेरी नजर के इशारे बदल गए। दादा जो आज का दौर चल रहा है, दो पंक्तियां उस पर, जो आज का दौर है मेहंदी का रंग देख कर 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 ए मेहंदी का रंग देख कर इसे यूं ना देखिए। और अगर लाइन अच्छी लग जाए तो सभी से तालियों का आशीर्वाद। जो आज का दौर है, घर में बहू के आते ही मास्टर जी मेहंदी का रंग देख कर इसे मत देखिए। क्यों? क्योंकि घर में बहू के आते ही, घर में बहू के आते ही और बेटे बदल गए। घर में बहू क्या बात है भैया, भैया हो रे। आज रानी द्रौपदी ने कहा, महाराज मैं राजा दम को वचन देकर के चली आई हूं, उसका दुश्मन बन गया है वो मुरली वाला। धर्मराज कह रहे रानी तू बावड़ी है गई है, क्योंकि धर्मराज को सब कुछ पता था, सब कुछ विदित था। जैसे ही राजा दम का नाम सुना, धर्मराज बोले, भैया क्या बोले सुनिए। खा रानी मेरी देख रहा
अशोक भैया उनकी तरफ से आया है, बार बार आशीर्वाद की कामना करूंगी। सुनिए अब ढोला को जरा मारो दादा। और रानी द्रौपदी कह रही है इतनी बात सुन के, ए वादिना क्या, अरे वादिना वादिना हिल की सो भर भर द्रोपद रोए रही जी वादिना, हिल की सो भर भर द्रोपद रोए रही गौ एरे जाके नैनन से क्या, एरे जाके नैनन से भैया। द्रौपदी ने कहा स्वामी ये आपकी बात नहीं है, हो बुरा वक्त क्या कह रही है, ए हो बुरा वक्त तो अपने भी गहराई की लाइनें बड़े ध्यान से सुनियो। रानी द्रौपदी कह रही और हम भी कह रहे, वास्तव में यह जीवन की सच्चाई है। क्या हो बुरा वक्त तो अपने भी नहीं मिलते, क्यों हो बुरा वक्त क्या हो बुरा
उतने सस्ते। देखे कितनी औकात है इस इंसान की, उतने सस्ते